दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे पूरी दुनिया जानती है, और उन्होंने कैसे अपने अपमान का बदला लिया और किस अंदाज में लिया, हमें उनसे सीखने की जरूरत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रतन टाटा जी की, जिनके बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, इन्हें पूरी दुनिया जानती है, बस इनका नाम ही बहुत कुछ बता देता है। टाटा इंडिका को बाजार में उतारने के बाद इसने बाजार में कोई ज्यादा खास कमाल नहीं किया और असफलता की ओर बढ़ गई। तब रतन टाटा जी को बहुत सारी आलोचनाएं सुननी पड़ी और बहुत सारे लोगों ने बोला कि इसको बंद कर दो, यहाँ तक कि पैसेंजर कार के व्यापार को बेचने तक की सलाह दी। रतन टाटा जी भी क्या करते, अब उनको भी अपने ऊपर विश्वास कम हो गया कि अब मैं इसको नहीं चला पाऊंगा। तब उन्होंने लोगों की बात मान लिया और पैसेंजर कार के व्यापार को बेचने का फैसला किया। फोर्ड ग्रुप के मालिक बिल फोर्ड ने टाटा पैसेंजर को खरीदने में रुचि दिखाई और प्रस्ताव रखा कि रतन टाटा जी ने अपनी पूरी टीम को लेकर फोर्ड के मुख्यालय हेडक्वार्टर पहुंच गए। वहां पर लंबे समय तक बातचीत के बाद टाटा टीम को फोर्ड का प्रस्ताव पसंद नहीं आया और विलफोर्ड ने रतन टाटा को कहा, जब आपको पैसेंजर कार का कोई अनुभव ही नहीं है तो आपने इस व्यापार की शुरुआत ही क्यों की, हम इस पैसेंजर व्यापार को खरीद कर आपके ऊपर एहसान करेंगे। बस इतनी ही बात सुनकर टाटा जी क्रोधित हो गए। क्रोध तो आना ही था, जब किसी का इस तरह से अपमान हो तो किसी को भी क्रोध आना लाजमी है। फिर उसी रात अपनी टीम को लेकर वापस भारत आने का फैसला किया। ये बिल्कुल सही निर्णय था, इतने ही अपमान होने के बाद कोई भी व्यक्ति के साथ काम करना नहीं चाहेगा। तो दोस्तों, भारत में आने के बाद उन्होंने अपनी टीम को साथ बैठक की और बोला, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इस पैसेंजर कार को फिर से बाजार में उतारना होगा। उसके बाद इस पैसेंजर कार ने पूरे मार्केट में तहलका मचा दिया। तब टाटा ने पैसेंजर कार का बाजार बहुत ही अच्छे से प्रदर्शन कर रही थी, जिसकी वजह से मुनाफे में चली गई, और दूसरी ओर फोर्ड कंपनी का प्रदर्शन कुछ अच्छा नहीं रहा और वह घाटे में आ गए। तब टाटा ग्रुप के फोर्ड ने दो बड़ी ब्रांड्स जैगुआर और लैंड रोवर खरीदने का प्रस्ताव दिया। इस बार बिल फोर्ड ने अपनी पूरी टीम के साथ भारत आए और टाटा के मुख्यालय में बैठकर डील की, और बिल फोर्ड ने रतन टाटा से यह भी कहा, आप हम पर एहसान कर रहे हैं हमारे जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदकर। आज ये दोनों गाड़ियां भारत की सबसे बेहतरीन गाड़ियों में से एक हैं। तो दोस्तों, क्या आपको इससे क्या सीख मिलती है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।